फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं रिलायंस जियो कंपनी अपने नए नए प्लान लाती रहती है, तो आज मैं जिस प्लान के बारे में जानकारी दे रहा हूँ उसके बारे में आपको जानकर बहुत ही आनंद आने वाला है और आप काफ़ी अच्छी तरीके से अपने डेटा का यूज़ कर पाएंगे और आपको अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ और क्या मिलेगा उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। और छोटा सा वीडियो है, आप देख लेंगे तो आप जितना चाहे उतना नेट अपने दिन में काम में ले पाएंगे अपने रिचार्ज के द्वारा। उसमें आपको 2 GB 1.5 GB की लिमिट नहीं, आप चाहे तो 4 GB भी उसमें खर्च कर सकेंगे। उस किस तरह से होगा उसकी पूरी जानकारी आपको इस रिचार्ज में दूंगा। जो रिचार्ज प्लान पेश किया है जियो ने, वो है जियो फ्रीडम रिचार्ज प्लान। सुनकर मजा आ जाएगा आपको, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। छोटा सा वीडियो आप पूरा देखें तो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। जैसा ही फ्रेंड्स मैंने आपको बताया, आप जैसे अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, वो खुल भी रहा है, तो काफ़ी अच्छी तरीके से आप अपने जो वर्क कर रहे हैं उसमें आपको खुद को पता नहीं होता आज मुझे कितने MB की ज़रूरत होगी। मैं ऑनलाइन वर्क करूँगा तो 500 MB चाहिएगी या 750 MB चाहिएगी, 1 GB चाहिएगी या 2 GB चाहिएगी, तो आपको कोई लिमिट नहीं होती। आपका वर्क होता है और आप नेट बंद कर देते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि मैंने 2 GB का प्लान करवा रखा है और मेरे तो 1 GB ख़त्म हुआ है, 1 GB का क्या होगा, वो लैप्स हो जाएगा। तो इस तरह की अगर आपको दिक्कत है तो ये प्लान आपके लिए बेस्ट हो सकता है और उसमें आपको क्या क्या सुविधाएं होगी उसकी पूरी जानकारी मैं दूंगा। तो अब आपको उसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 500 MB ख़त्म करना है या 250 MB ख़त्म करना है या पूरा 2 GB ख़त्म करना है, 4 GB ख़त्म करना है, आपके जितना बड़ा वर्क फ्रॉम होम का वर्क है तो आप उसे बहुत अच्छी तरीके से आप अपने अनलिमिटेड नेट को चलाकर कर सकते हैं। उसमें आपको क्या क्या सुविधाएं होगी उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। अगर आपको पूरा 1 साल का प्लान अगर करवाना है तो आप 2397 यानी 2397 रुपये में 365 GB डेटा के साथ आप 365 दिन की वैलिडिटी आपको मिल जाती है और अनलिमिटेड कॉलिंग आपको साथ में मिल जाती है। तो इस तरह आप इस प्लान को कर सकते हैं। तो आप 365 GB आपको मिला 365 दिन के लिए, इसमें आपको कोई कंडीशन नहीं है कि आप 365 GB आप 365 दिन में ही ख़त्म करें। आप 365 GB को चाहे तो आप 6 महीनों में ख़त्म कर सकते हैं, आप चाहे तो पूरे 12 महीनों में ख़त्म कर सकते हैं और आप चाहे तो एक दिन में अपने 2 GB 4 GB जितना भी यूज़ करेंगे वो आपके लैप्स हो जाएगा, उसके बाद का बचेगा वो आप आगे के दिनों में एडजस्ट कर पाएंगे। इसी तरह जो दूसरा जो प्लान बता रहा हूँ मैं आपको, उस प्लान में आपको 597 का प्लान है जिसमें 75 GB डेटा आपको मिल जाएगा और इसकी वैलिडिटी है 90 दिन। इसी में आपको जो तीसरा प्लान में बताने वाला हूँ उसकी वैलिडिटी है 60 दिन की, उसमें आपको 50 GB डेटा मिल जाएगा और आपको इसकी कीमत देनी होगी 447 यानी 447 रुपये में आपको 50 GB डेटा मिल जाएगा 60 दिन के लिए। तो आप इस रिचार्ज को भी करवा सकते हैं। और उसके बाद जो आपको मैं रिचार्ज बताना हूँ उसकी वैलिडिटी है 30 दिन की यानी 1 महीने के लिए आपको 25 GB डेटा मिल जाएगा 247 यानी 247 रुपये में। इसमें आपको मान लो जैसे आप संडे को वर्क नहीं करते हैं और आपके सैटरडे की छुट्टी आ जाती है तो आपको वो दिन 8 दिन वर्क नहीं होता है, तो आप इस 25 GB को आप अपने जो बाकी के दिन बचते हैं उसमें एडजस्ट कर पाते हैं। ये प्लान आप हर तरह से काम में ले पाएंगे और आप 1 महीने का प्लान करते हैं आपको अपनी GB को आप चाहे तो 2 GB 3 GB 4 GB जितना आपके वर्क लोड हो उस हिसाब से काम में ले पाएंगे। और आपकी छुट्टी है तो आपके MB कहीं जाने वाली नहीं है, वो आपके आगे ऐड हो जाएगी यानी आपको आपने यूज नहीं किया तो वो आपके MB पड़ी हुई है, तो इस तरह से काम में ले पाएंगे। इसी तरह जो मैं आपको प्लान बता रहा हूँ एक 15 दिन का जिसमें आपको 12 GB डेटा मिल जाता है और आपको इसकी कीमत देनी होगी 127। तो काफ़ी अच्छी तरीके से आप इस प्लान को भी करवा कर आप आनंद ले पाएंगे जो जियो ने नए प्लान पेश किए हैं। इसमें आपको अनलिमिटेड प्रीपेड प्लान चाहिए और जियो फ्रीडम प्लान्स के तहत आपको दैनिक डेटा लिमिट से आज़ादी मिल जाएगी और ये डेटा प्लान करवाकर आप दैनिक डेटा सीमा के बिना आप ले सकते हैं यानी आपको कोई सीमा नहीं है, आप जितना चाहे उतना नेट यूज़ कर पाएंगे यानी आपके 2 GB होते ही ये बंद नहीं होगा, 1.5 GB होती बंद नहीं होगा, क्योंकि दूसरे जो प्लान आप करवाते हैं उसमें आप 1.5 GB काम में लेते हैं और उसके बाद नेट खत्म हो जाता है और फिर आप वर्क नहीं कर पाते हैं। 2 GB का प्लान ले जाता है, 2 GB खत्म हो जाता है, उसके बाद काम नहीं कर पाते। तो इसमें आपको जैसे 2.5 GB 3 GB का काम है तो वो आप 2 GB के बाद भी आप उसमें जो नेट पड़ा हुआ उससे आपके ऐड हो जाएगा और उस तरह आप इसे काम में ले पाएंगे। तो आपको अलग कहीं रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं, अलग से आपको 11, 21, 51 का कोई प्लान लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास जो डेटा है वो आपके पूरा पैकेज के तहत पड़ा हुआ है जिससे आप इसे काम में ले पाएंगे और आप बिल्कुल आराम से इस प्लान को काम में ले पाएंगे। तो मैंने आपको आज 5 रिचार्ज प्लान बताए हैं जिसमें पहला 127, दूसरा 247,
तीसरा 447, चौथा 597 और 2397 पांचवा प्लान है। इस तरह आप इन रिचार्ज को करवा कर जियो फ्रीडम रिचार्ज प्लान को करवा सकते हैं। धन्यवाद।